हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंट्स ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट में क्या करना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है और पासपोर्ट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम पासपोर्ट बनवाने के पूरे प्रोसेस को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसकी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले पार्ट में होता है पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उसके बाद दूसरे पार्ट में आता है अपॉइंटमेंट। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट में हमसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट में हमें क्या करना होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती है, क्या करना पड़ता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस की। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप खुद को अच्छी नॉलेज है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर अप्लाई कर दें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले प्रोफेशनल होते हैं और वो आपके फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर देंगे। ऑनलाइन फार्म फिल करवाने के लिए एक तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, दूसरा आपने फीस भरनी होती है। डॉक्यूमेंट में अगर आपने मैट्रिक या उससे ज़्यादा पढ़ाई की है तो आपको 10th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ, आपका आधार कार्ड या आप वोटर कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। और अगर आप 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 1500 फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप 60 पेजेस वाला पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको 2000 चार्जेज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा साइबर कैफे वाला जो आपसे चार्ज लेगा अपना, वो अलग होगा। ऑनलाइन फॉर्म में क्या होता है, आपकी सारी डिटेल फिल की जाती है। आपकी मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम, फादर नाम, मदर नेम, इसके अलावा आपकी बर्थ प्लेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, उसके बारे में डिटेल फिल की जाती है। फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट किया जाता है, करने के बाद उसकी फ़ीस पे की जाती है। फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से ऑफलाइन के लिए एक चलान भी जनरेट हो जाता है, जो कि आप SBI बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बैंक में जाकर जमा करवाएंगे तो उसके 2-3 दिन के बाद स्टेटस अपडेट होता है और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फीस पे करते हैं तो आपको तुरंत ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। इसीलिए मेरा आपसे सजेशन है कि आप ऑनलाइन ही फीस को पे कर दें। ऑनलाइन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस भरने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें कि आपका पासपोर्ट ऑफिस के लिए अपॉइंटमेंट का टाइम, डेट और नंबर दिया जाता है। साइबर कैफ़े वाला वो आपको रिसिप्ट प्रिंट करके दे देगा और वो रिसिप्ट आपको पासपोर्ट ऑफिस साथ में लेकर जानी होती है। नेक्स्ट स्टेप है पासपोर्ट ऑफिस, जो आपकी रिसिप्ट में डेट लिखी होती है और जो टाइम लिखा होता है उससे आपको 15 मिनट पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना होता है। उस रिसिप्ट को चेक करने के बाद आपकी पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद आगे काउंटर पर कई लाइन लगी होती हैं, वो लाइन 3, 4 या 5 भी हो सकती हैं। लाइन में लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको एक फाइल दी जाती है और जिसमें के एक टोकन नंबर आपको इशू किया जाता है। उस टोकन नंबर में आपका फाइल नंबर और उसके बाद आपको ABC 3 काउंटर पर जाना होता है, उसकी भी पूरी डिटेल दी जाती है। उस काउंटर से आपको टोकन नंबर मिलने के बाद
आपको ए बी सी बारी बारी तीन काउंटर पर जाना होता है। सबसे पहले आपको ए काउंटर पर जाना होता है। ए काउंटर पर आपके सब डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है, आपकी एक फ़ोटो भी क्लिक की जाती है। ये फ़ोटो जो क्लिक की जाती है वही फ़ोटो आपके पासपोर्ट पर प्रिंट होती है, इसीलिए आपको फ़ोटो खिंचवाते समय सही तरीके से फ़ोटो करवानी चाहिए। ए काउंटर पर जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको बी काउंटर पर जाना होता है, जो आपको नंबर वार जे काउंटर पर जाना होता है। वहाँ पर एक एलईडी भी लगी होती है जहाँ पर के आपका टोकन नंबर और उसके सामने आपका काउंटर नंबर भी लिखा होता है, उसके हिसाब से आपको बारी बारी काउंटर पर जाना होता है। बी काउंटर पर आगे B1, B2, B3 इस तरह से काउंटर बने होते हैं। इसी तरह से A काउंटर पर भी A1, A2, A3, A4 वगैरह बने होते हैं। इसके अलावा C काउंटर पर भी इसी तरह होता है। A काउंटर पर आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद B काउंटर पर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है, जैसे कि आपकी मार्कशीट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड देते हैं या आप पैन कार्ड देते हैं तो उसकी भी वेरिफिकेशन की जाती है। जब बी काउंटर पर आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद जब एलईडी पर आपका टोकन नंबर आ जाए और उसके सामने सी काउंटर आ जाए तो आपको सी काउंटर पर जाना होता है। सी काउंटर पर आपके फॉर्म जो ऑनलाइन फिल किया होता है उसको पूरी तरह चेक किया जाता है कि कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक नहीं है। जब आपके फॉर्म को पूरी तरह चेक कर लिया जाता है और सब कुछ सही होता है तो आपके पासपोर्ट स्टेटस को ओके कर दिया जाता है और आपके पासपोर्ट स्टेटस को ग्रांटेड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको एक एग्जिट रिसिप्ट दी जाती है, जिस रिसिप्ट को लेकर आप पासपोर्ट ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। उस एग्जिट रिसिप्ट पर आपका फाइल नंबर और आपके पासपोर्ट का स्टेटस लिखा होता है। इस तरह से आपका पासपोर्ट ऑफिस का प्रोसेस जो पूरा हो जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है पुलिस वेरिफिकेशन का। जब आपका पासपोर्ट ऑफिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो 2-3 दिन के बाद आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता है कि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा 4-5 दिन के अंदर पुलिस कर्मचारी के द्वारा आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाता है। पुलिस का कर्मचारी आपके घर पर भी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसके अलावा वो आपको पुलिस स्टेशन पर भी बुला सकता है। वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन में आपको एक तो दो विटनेस साथ में लेके जाने होते हैं और आपके हर विटनेस की एक एक फ़ोटो भी लगाई जाती है। इसके अलावा आपके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस का कर्मचारी आपके घर पर आता है तो आपसे 100 रुपीज़ फीस चार्ज की जाती है, जिसकी के पुलिस कर्मचारी द्वारा आपको रिसिप्ट भी दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी और चार्ज पुलिस कर्मचारी को नहीं देना होता। जब पुलिस कर्मचारी के द्वारा आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली जाए तो उसके बाद आपकी इंटरनल वेरिफिकेशन शुरू होती है। जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग स्टेट्स में चला जाता है और आपका पासपोर्ट प्रिंट होना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन में आपका पासपोर्ट प्रिंट हो जाता है और कम से कम 3 से 4 दिन में वो पासपोर्ट आपके घर पर डाक के द्वारा आ जाता है। इस तरह से आपका पासपोर्ट बन जाता है। इस तरह से आपका पासपोर्ट कम से कम 25 से 30 दिन में बनकर आपके घर पर आ जाता है। तो ये था पासपोर्ट बनवाने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और दोस्तों को भी पासपोर्ट के प्रोसेस के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।